चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। राम राम सा, जय मेवाड़, जय एकलिंगनाथ। मारो नाम जया मीणा है। मु मेवाड़ री धराऊं आऊं, यो कहते ही मारे अंदर जोश आई जा। और मु एक समाज सेविका हूँ और मु मिस इंडिया रह चुकी हूँ 2019 में। जदि मु मिस इंडिया ही वधी पूरा इंडिया में यो छायो हो कि मेवाड़ री बेटी नाम रोशन की दो, तो जनी धराऊं मु आऊं हूँ जने मेवाड़ के, बटे महाराणा प्रताप री धरा है और उस धरती से मेरा जन्म हुआ है, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। तो आज जो मैं यहाँ पर ये जो अभियान चल रहा है इसका समर्थन करने के लिए इसीलिए आई हूँ क्योंकि जो महाराणा प्रताप है उनकी पहचान से आज हमारी पहचान है। हम मेवाड़ के हैं, मेवाड़ हमारे लिए गर्व है। तो हमारी सबसे पहली जो मांग है वो ये है कि राजस्थान में तो ऑलरेडी छुट्टी रहती ही है लेकिन हमें राष्ट्रीय अवकाश चाहिए और होना भी चाहिए, वेर वो चावे सिख या तो हिदी अटवाते है, क्योंकि राष्ट्रीय अवकाश होएगा जो माणी धरोहर है वरने लेन आगे जावांगा। जतरी भी आगे आवा वाली पीढ़ियाँ है वरने मणा ने खबर तो वेनी चावे कि महाराणा प्रताप कई हा। माँ तो आज अतरा गर्व हुआ कि माँ महाराणा प्रताप भी धरा हुआ वहाँ। तो ये हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग है कि इसका बोर्ड का चयन। बोर्ड का चयन होने का कारण है कि आज आप देखेंगे जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल तो है कि उदयपुर में मोती मंगरी रो नाम लेते बटे लोग जावे घूमवा वाते, लेकिन उसी जगह अगर हम लोग देखेंगे सलुम्बर के अंदर चावन क्षेत्र है जहाँ पर बंदोड़ा या कोई गांव है, मुझे स्पेसिफिक नाम याद नहीं है, लेकिन वहाँ पर उनकी त्रिवेणी संबंध जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर उनकी समाधि स्थल है, लेकिन वो समाधि स्थल का विकास नहीं हो रहा है। वहाँ पर कोई जाना नहीं चाहता विकास के लिए, सभी लोग राजनीतिक का रूप बनाते हैं, लेकिन जो महाराणा प्रताप जी है वो हम सभी के भगवान हैं और हम सभी उनको पूजते हैं। तो हमारा सबका कर्तव्य बनता है कि सर्व समाज साथ चलकर वहाँ का विकास कराए, और विकास तभी होगा जब इसके बोर्ड का चयन होगा।